हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदय कुमार। आप सभी का स्वागत है नीट 2024 में। गुजरात की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी? गुजरात में पिछले साल भी देखे होंगे कट ऑफ काफ़ी हाई रही थी, और इस साल भी बच्चों ने पेपर अच्छा किया है। पेपर इजी आए थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए, ठीक है। उसके अलावा पेपर आपका लीक भी हुआ गुजरात और पटना और आपके राजस्थान में, न्यूज खबरें आई, आपने सुना भी, ठीक है। तो गुजरात में 2023 में क्या कट ऑफ गई थी दोस्तों, ये हम देख रहे हैं। तो ये ओपन कैटेगरी के लिए 609 गई थी, ठीक है, और एससी एसई के लिए 585 गई थी, और ईडब्ल्यूएस के लिए 604 गई थी, ठीक है, और एसटी कैटेगरी 300 351 और एससी 521। तो ये कट ऑफ गई थी गुजरात का 2023 में, ठीक है दोस्तों, जो आपको दिखा रहा हूँ। अब इसमें आपके प्लस माइनस 5 हैं तो आपके चांसेज हैं, ठीक है, और अगर आपके नंबर 609 से, मैं ओपन कैटेगरी में बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ बढ़ने वाली है, 618 तक है तो फुल चांस है ओपन कैटेगरी में। 618 प्लस सेफ मान के चल सकते हैं गुजरात के लिए। तो यहाँ भी देखिए, पहले कट ऑफ काफ़ी कम जाती थी, और गुजरात में आप देखिए कितना कट ऑफ जो है पिछले साल बढ़ गई थी, और इस बार भी देखेंगे तो आपको कट ऑफ बढ़ती हुई यहाँ दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन आपके अगर प्लस माइनस 5 हैं तो चांस है, क्योंकि नो बडी नोज, प्रिडिक्शन माइट बी राइट और रॉन्ग, तो ये ध्यान रखिएगा। और फ्री काउंसिलिंग के लिए आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें 100% फ्री काउंसिलिंग प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है दोस्तों। और पेड काउंसलिंग के लिए आप डॉक्टर पंकज यादव और डॉक्टर लोकिन सिंह से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।